हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो सुबह उठा हूँ, चाय पिया है, जाऊँगा बाहर, शायद कहीं जाने का प्लान रहे तो वहीं का ब्लॉग शूट करूँगा, तो वीडियो में बने रहें। मैं आ गया हूँ अपने दोस्त की दुकान, तो यहाँ पे दिखा पतंग। पतंग देख के बचपन की याद आ गई। पहले हम लोग बल्ब लाते थे और मांझा बनाते थे, पर अब के ज़माने में बच्चे लोग सिर्फ मोबाइल में लगे रहते हैं, इतना अब तो पतंग देखने को भी नहीं मिलती उड़ती हुई। एवरी वन, तो हम लोग आ चुके हैं हमारे गांव के रोड पे, और यहाँ से 10 मिनट के बाद फिर हम लोग जाएंगे। एक पहाड़ है, नौगा धोबी के पहाड़ के नाम से मशहूर है, तो देखते हैं शाम में चलेंगे। अभी अपने रोड पे हैं, देखिए हमारा रोड। मैं आ गया हूँ घर और मैंने देखा पानी चल रहा था, तो मैंने जल्दी से पानी भर लिया। उसके बाद अभी जाऊँगा नाश्ता करने के लिए, और हमारा शाम में जाने का बाहर जाने का प्लान भी है दीवपट्टी, तो बाहर जाऊँगा। मुझे अभी अर्जेंट किसी काम से सिलाव जाना पड़ रहा, तो मैं जा रहा हूँ सिलाव। अगले ब्लॉग में सिलाव से ही करूँगा, कुछ घर का काम भी है तो जा रहा हूँ। घर हम लोग सिलाव पहुँच गए हैं, उनको छोड़ना, उनको छोड़ दिया है। थोड़ा छोटा मोटा काम है, जल्दी से कर लेते हैं काम, उसके बाद जाएंगे थोड़ा खाया दुकान की रह, उसके बाद दिल्ली पंकल की चाय पियेंगे और निकल जाएंगे घर। छोटा मोटा प्रॉब्लम था दिखा रहे हैं शराब पिया के दुकान पर, उसके बाद जाएँगे हम लोग काम करने के लिए अपना। सिलाव में चिटिंग बहुत हार्ड लगाया हुआ है, बिना हेलमेट के तो पकड़ ही ले रहा है, बिना हेलमेट करना ट्रैवलिंग इतना सेफ नहीं है आज के लिए। रोड पर हम लोग जा रहे थे तो उस मोड़ पे भी चीटिंग था, तो हम लोग वहाँ पर से नहीं गए, वहाँ पे भी चीटिंग हो रहा है, तो हम लोग इस मोड़ पे आ गए। यहाँ पर भी काम कर लिए हैं और जितना काम होगा यहीं पे करेंगे। अब जा रहे हैं हम दिलीप पंगल की चाय दुकान पर, चाय पियेंगे और जहाँ निकल जाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा चीटिंग है। पहुंच गए हैं दिलीप अंकल की चाय दुकान पर, यही है दिलीप अंकल का चाय दुकान, यहीं से हम लोग आते हैं चाय पीने के लिए। गाँव में बहुत ज़्यादा भीड़ है आज, पता नहीं क्यों, लगता है कुछ हुआ है गाँव में, हर जगह चेकिंग चल रहा है, लाइन से खाजा का दुकान है, 20 से 25 दुकान तो आराम से ही होगा खाजा का। सारा काम हो गया, अब हम निकल रहे हैं घर के लिए। सारे घर ज़्यादा ही चिकन था, हर मोड़ पे आपको पुलिस खड़ा दिख रहा था, हेलमेट लगाने पर भी रोक रहा था, पूरा चेकिंग कर रहा था, बहुत लाइसेंस से गाड़ी का कागज़ होगा, इस बच्चे लोग निकले कैसे निकल के, रास्ता हम लोग पता था इस कारण। मैं घर आ गया हूँ, खाना वाना खा के जाऊँगा नदियों पट्टी घूमने के लिए। आ गए हैं नदियों पट्टी, तो यही है तरबन्ना, देख सकते हैं यह चारों पट्टी तार का पेड़ है, इसी वजह से इसका नाम तरबन्ना है। तो हम लोग जा रहे हैं एक पहाड़ देखने, जो बहुत दिनों से यहाँ इस जगह पे मौजूद है, जिसका नाम शायद नवा धोबी का पहाड़ भी है। लोग कहावत बोलते थे पहले में कि नवा धोबी का बराज जा रहा था तो टकरा गया, तो पहाड़ बन गया, बट ऐसा है नहीं, सब कहावत था, अंधविश्वास है, ये सब चीज़ों पे यकीन ना करें, कुदरती चीज़ है सब, बहुत दिनों से स्थित है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं वहीं देखने के लिए। चारों पट्टी का नज़ारा देख सकते हैं, हर जगह से खेत ही खेत और पेड़ ही पेड़ देखेंगे, जहाँ तक दिखेगा आपको सिर्फ पेड़ ही दिखेंगे, बहुत ही प्यारा नज़ारा है यहाँ पर का। सरसों का खेत है, काफ़ी प्यारा लग रहा है, देख सकते हैं ये सब गेहूं का खेत है, चारों तरफ आपको हरियाली ही दिखेगी खेत में। तो
पीछे ये रास्ता है छोटा छोटा आली, इसी पे चलते हैं किसान लोग। बहुत मेहनत करते हैं किसान लोग, बट जानवर लोग पूरा उनका फसल बर्बाद कर देती है, जंगली जानवर लोग। ये आप देख सकते हैं मैं जिस पहाड़ पे खड़ा हूँ, उस पहाड़ का नाम है नवा धोबी का पहाड़। एक्चुअली यहाँ पर दो पहाड़ हैं छोटे छोटे, एक वो और ये एक। आ चुके हैं नवा धोबी के पहाड़ के नाम से मशहूर, हमारे गांव से तीन किलोमीटर दूर है। बचपन में हम लोग यहाँ काफ़ी आकर खेला करते थे, बट अभी काफ़ी टाइम बाद हम लोग यहाँ आ रहे हैं। ऐसा कहावत है कि नवा धोबी का बारात जा रहा था तो दोनों आपस में टकरा गए, इस वजह से मशहूर है। बट ये सब टोटली फेक है, इस सब पे भरोसा नहीं करना चाहिए। और रही बात पहाड़ की, तो पहले ये काफ़ी बड़ा था, पीछे का पूरा देख सकते हैं, ये पूरा काफ़ी बड़ा था। तो ये ब्रिज बनने में यूज़ हुआ था इसका आधा पार्ट, और आधा पार्ट वहाँ पे है। तो जैसा कि शर्मान ने आपको दिखाया, ये अभी काफ़ी छोटा हो गया, तो हम लोग अभी जस्ट यहाँ आ रहे हैं, तो कंटिन्यू रहेगा अभी। तो आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिए, ऐसी नई नई चीज़ आपको देखने को मिलेगी। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए। देख सकते हैं काफ़ी बड़ा पहाड़ है, अभी तो भी बहुत छोटा हो गया है, क्योंकि इसको इसका जो पत्थर था आधा यूज़ किया गया था ब्रिज बनाने में। लोग अक्सर यहाँ आते हैं पार्टी वार्टी मनाने के लिए, पर छोटे बच्चे यहाँ ना ही आए तो सही अच्छा रहेगा, क्योंकि सांप बिच्छा निकल सकता है। और ये दूसरा वाला पहाड़ है, ये काफ़ी छोटा है, वो थोड़ा बड़ा भी है।